इसकी आउटपुट जो है वो 200 से 240 पर आवर, 200 से 240 किलो पर आवर आई। हमने इलेक्ट्रिक हीटर दिए हैं, इसकी हीटरों का लोड 15 किलो वाट है। मोटर इसके अंदर हमने 40 की लगाई है, 40 HP। ये स्क्रीन चेंजर है, इससे हमें जाली बदलने में आसानी हो जाती है। अगर हम यहाँ पर जो मैनुअल हेड लगा करते थे पहले, उसमें 15 मिनट बेकार हो जाया करते थे, स्क्रीन चेंजर लगाने से सिर्फ हमारा 1 मिनट बेकार होता है। 1 मिनट के लिए मशीन ब्रेक डाउन करनी होगी, 1 मिनट में जाली चेंज हो जाएगी। उसके बाद यहाँ से तारे, इसके अंदर से तारे निकलती हुई सीधे पानी की टंकी के अंदर आएगी। पानी की टंकी के अंदर से तारे होती हुई जो ना हमारे कटर के अंदर जाएंगी। ये हमारा दाना, इस दाने कटर को हमने हर तरह से पैकअप किया है। न इसके अंदर आपको कहीं से बेल्ट नजर आएंगी, न गरारी नजर आएगी, न पुली नजर आएगी। हर तरह से सेफ्टी कवर किया है। कटर को खोल के दिखाओ, कटर खोल के दिखाएं भाई आप। ये अंदर कटर है इसके, ये दाना कटर है, ये अंदर इसके मोटर भी लगी हुई है। और इसके अंदर हमने जो है 2 हॉर्सपावर की मोटर दी है, ये आप यहाँ से मोटर देख सकते हैं। 2 हॉर्सपावर की मोटर दी है, 12 ब्लेड का हमने इसके अंदर कटर लगाया है। दाने की लंबाई 2 से 2.5 mm आएगी। यहाँ से आपको तार जाती भी दिखेगी और ये यहाँ से निकलती भी दिखेगी। यहाँ से हमारा जो ना दाना निकलता हुआ आपको नजर आएगा। चारों तरफ से कवर है। अब इसके बाद हम आपको दिखाएंगे, ये हमारा स्क्रीन चेंजर है, इसके अंदर 2 पेंसिलेटर दिए हैं हमने इसको गर्म करने के लिए। 2 आगे लगते हैं, 2 पीछे लगते हैं, 1 इधर 1 इधर। जाली आप यहाँ से चेंज करेंगे, 1 यहाँ लगती है और 1 इसके यहाँ, 1 जाली यहाँ नीचे लगती है। जब ये हमारी जाली भर जाएगी तो इसको जो ना हाइड्रोलिक सिस्टम के द्वारा इसे हम नीचे सरका देंगे, उसकी जाली यहाँ लग जाएगी। अब इसके बाद हम आपको दिखाते हैं, ये हमारा एग्रो मिक्सर है। ये एग्रो मिक्सर 30 इंची साइज का है। ये एग्रो किस काम में आता है? ये एग्रो जो है ना, आप जो है इसको जो है पेपर वेस्ट जितनी भी होगी, चाहे वो एलडी की हो, एचडी की हो, पीपी की हो, जितनी भी जो ना पेपर वेस्ट होगी, सारे पेपर वेस्ट बिना ग्राइंडिंग के आप इसके अंदर डाल सकते हैं। इसके अंदर बिना ग्राइंडिंग के आप इसके अंदर डालेंगे और मात्र 5 मिनट में जो है आपकी पेपर की जो है ना गोली बन जाएगी 5 मिनट में। इसके पेपर वेस्ट के अलावा आप इसके अंदर डाल सकते हो जितनी भी तरह की जो ना तीन हो गई, रफिया हो गई, रफिया होती है, कट्टा होता है, बोरे होते हैं, वो बोरे आप बिना काटे आप इसके अंदर साबुत पूरे आटे भर देंगे। इसके ऊपर कितने HP की मोटर लगाई? हमने इसके ऊपर जो ना 60 HP की मोटर लगाई है। 60 HP 40 RPM की मोटर हमने इस पर लगाई है। मात्र 5 से 10 मिनट में कितने किलो माल कर देगा? 5 से 10 मिनट, 5 से 10 मिनट में हमारा जो ना 150 किलो माल तैयार कर देगा। इसके अंदर ब्लेड कितने लगे हुए? इसके अंदर हमने जो ना 4 तो हमने रोटरी ब्लेड लगाए हैं और 6 साइड ब्लेड लगाए हैं। 10 ब्लेडों का सेटअप हमने इसके अंदर। वहां से माल डालेंगे आप इसके अंदर। देखिए माल डालना बहुत आसान है, मैं आपको दिखा दूं। आप इसके अंदर यहां से माल भरेंगे, इसके अंदर 100 से 150 किलो माल आ जाएगा। फिर आप 2 मिनट के बाद फिर उसके अंदर माल डालेंगे, फिर 2 मिनट के बाद उसके अंदर माल डालेंगे, आपका जो है गोली बनकर तैयार हो जाएगी, मिक्सर तैयार। अब आप इस जैसे आपका मिक्सर तैयार हो जाता है, ये हमने यहाँ हैंडल दिया है,
इस हैंडल को आप ऐसे करके उठा देंगे, माल सारा नीचे आ जाएगा, यहाँ से माल हिलना शुरू हो जाएगा। नीचे आप अपना एक टप रखो, उस टप के अंदर सारा माल आ जाएगा, उस टप में से उठा के सीधा मशीन के अंदर। जो माल यहाँ गिरेगा वो सीधा उठाकर यहाँ से इस मशीन में जाएगा। इस मशीन का ये हॉपर रखा हुआ है, इसके ऊपर ये हॉपर लगेगा भी, आप फोटो में या अगली वीडियो में देख सकते हो। हमने इस हैंडल के साथ में एक लॉक दिया है ताकि ये हैंडल जो है ना चलते ना ऊपर ना उड़ जाए। ये हमें इसके ऊपर हमने एक लॉक दिया है, चलने के बाद हैंडल ऊपर नहीं उठेगा और माल आपका नीचे नहीं गिरेगा। माल के साथ साथ अगर आप कलर बनाना चाहते हो तो साथ के साथ जो है एक कलर की बुढ़िया होली बनने बनते टाइम, होली बनने से एक मिनट पहले कलर की पुड़िया इसके अंदर डाल देंगे तो आपका कलर तैयार हो जाएगा। जिस कलर का भी आप चाहें उस कलर का आपका दाना तैयार हो जाएगा। इस मशीन की मोटर कहाँ पर लगी हुई वो दिखाई नहीं दे रही। हाँ, इस मशीन की मोटर हम आपको दिखाते हैं। इस मशीन में हमने मोटर लगाई है, मोटर आपको नजर नहीं आएगी, हमने यहाँ मोटर दी है गियर बक्से के नीचे, गियर बक्से के नीचे मोटर दी है। तो देख सकते हैं आप चारों तरफ से ये मोटर हमने यहाँ गियर बक्से के अंदर दी है। अगर आपको मोटर जो है यहाँ से अंदर डाली जाती है, ये चार होल लगा दिए हमने, चार होल खोल देंगे तो ये जो है ना हमारी कवरिंग खुल जाएगी। यहाँ से मोटर सीधी हमने अंदर रखी है, ये चारों तरफ से हमारी मोटर फेंक है, देख सकते हैं इसकी मोटर बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है। मशीन के फ्रेम को हमने हर तरह से एयर कूल किया है, आगे से लेके पीछे तक मोटर को पूरी तरीके से एयर मिलती रहे, मोटर हमारी ठंडी रहे। तो ये दोनों मशीनें अगर किसी को पॉलिथीन का और रफिया का दाना बनाना है तो ये दो मशीन केवल आपको लगानी पड़ेंगी और कोई मशीन नहीं लगानी पड़ेगी। आप डायरेक्ट इस मशीन को जो देख रहे हैं इस मशीन के अंदर डाल के उसकी गोली बना के डायरेक्ट इस वाली मशीन से डायरेक्ट दाना बना सकते हैं। तो ये दोनों मशीनें हमारी एंडी में और रफिया में काम आएंगी। हमने गियर बक्से के अंदर ध्यान रखा है कि गियर बक्सा 24 घंटे मशीन चलते हुए गर्म ना हो, उसके लिए हमने इसके अंदर एयर का सिस्टम रखा है। एक तरफ से पानी ठंडा जाएगा, दूसरी तरफ से पानी गर्म निकलता रहेगा, तो हमारा गियर बक्सा कभी ठंडा नहीं होगा, हमेशा इसका ऑयल जो है ना ठंडा रहेगा। अक्सर आपने देखा होगा तो ऑयल गर्म होने के बाद गियर बक्से में से निकलने लगता है और इसलिए निकलता है कि गियर बक्से के अंदर चारों तरफ आयल सीरे लगाई जाती हैं। जब ऑयल गर्म हो जाता है तो आयल सीरे से बाहर निकलने लगता है। तो गाइस ये इस मशीन का पैनल हो गया ऑटोमेटिक। ये मैं आपको पैनल दिखाता हूँ, अंसारी प्लास्टिक मशीन लिमिटेड। ये सारे हमारे एम्पियर मीटर यहाँ लगे हुए हैं, ये पैरोमीटर लगे हुए हैं यहाँ पर, हीट कम बढ़ती करने के लिए ये पैरोमीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। एलडी के लिए अलग हीट होती है, एचडी के लिए अलग हीट होती है, एचएम के लिए अलग हीट होती है, पीपी के लिए अलग हीट होती है। तो यहाँ पर हम जो है ना अपनी मशीन की हीट को सेट कर सकते हैं। एक दफा हम जितने पर सेट कर देंगे उतने पर ही कंटिन्यू चलती रहेगी मशीन के अंदर चलते हुए। हीट कम बढ़ती होती है तो हमारे पैरामीटर जो है ना उसको कट ऑफ कर देंगे। एग्जांपल हमने अगर 240 हीट सेट की है और पीछे से करंट कम बढ़ती आता है तो हमारे पैरामीटर 240 हीट को मशीन को बराबर देते रहेंगे।